देखिए, आज तीनों इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने बैठे थे, हमने बहुत पॉइंटेड बात उनसे पूछी। हमने कहा कि सर, पूरी दिल्ली में करीब एक महीने से भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऑब्जेक्शनेबल भद्दे होर्डिंग लगाए गए हैं और विपक्षी नेताओं को चित्र द्वारा गलत तरीके से दिखाया गया है। हमने आपको ये कंप्लेंट करीब एक महीने पहले की, आपने इस पे क्या कार्रवाई की? तो वो बोले, क्या कार्रवाई की ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कमाल है इस बात का कि एक संस्था जिसका काम ये है कि देश में देखें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो वॉचडॉग है, वो कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है बताने के लिए। तो मैंने कहा कि साहब, आप उस पर कब तक एक्शन लेंगे? क्योंकि चुनाव को एक महीना तो गुजर गया, एक महीना और गुजर जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो कब लेंगे? तो वो बोले, ये भी बताने के लिए हम बाध्य नहीं है कि हम इस पर कब एक्शन लेंगे। तो मैंने पूछा, भैया ये तो बता दो, चुनाव से पहले एक्शन ले लोगे या चुनाव के बाद लोगे? तो बोले, ये भी हम नहीं बताएंगे, जब हमारा मन करेगा तब हम एक्शन लेंगे, और लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। तो हमने उनसे पूछा, भाई आप इतना बता दीजिए, अगर इस तरीके के भद्दे होर्डिंग लगाने अलाउड हैं तो हम भी लगा लेंगे। तो बोले, फाइन। मैंने कहा, सर इस फाइन का क्या मतलब हुआ? कह रहे, मैंने बोल दिया फाइन। मैं हैरान हूँ। और मैं चाहूँगा, अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की CCTV रिकॉर्डिंग करता हो तो वो पूरे देश को दिखाएं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन साफ साफ कंप्लेंट्स पे भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कब एक्शन लेंगे ये बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। थीम सॉन्ग चेंज होगा या क्या है, बाकी बात क्या रहेगी? देखिए, हमने उनको बता दिया है कि थीम सॉन्ग के बोल के अंदर जो भी उनकी समस्याएं हैं, वो हमको ऐसा लगता है कि उसमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं है, और उसको हमने उनको एक्सप्लेन करके दे दिया है।